ओके, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा ट्रेनर बहुत अच्छा है क्योंकि उसने सैकड़ों लोगों की बॉडी बनवा दी, राइट? लेकिन शायद आपको पता नहीं कि ऐसे ट्रेनर भी एक नंबर के जाहिल होते हैं और अपनी ही जहालत की वजह से वो अपने ही क्लाइंट्स को मरवा देते हैं। ऐसे ही जाहिल ट्रेनर्स की दो निशानी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। अगर आपके ट्रेनर में भी वो दो निशानियां हैं तो जल्दी से जल्दी उस ट्रेनर को बोलो बाय बाय टाटा बाय बाय। अब सवाल ये है कि अगर वो वाकई में जाहिल है, उसको साइंस बेस्ड नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो उसने इतने ज्यादा लोगों की बॉडी कैसे बनवा दी, राइट? तो ये बात आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगी। फिलहाल उस जाहिल ट्रेनर को पकड़ने की जो दो निशानियां हैं हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है? तो आओ गाइस फिटनेस काइनेटिक्स पे शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस देखो पहली निशानी क्या है। पहली निशानी ये है उस जाहिल ट्रेनर को पकड़ने की कि वो मोटे लोगों को चर्बी कम करने के लिए उबले हुए चावल बताता है। समझो इस चीज को, उबले हुए चावल यानी बॉइल्ड राइस, राइट? क्यों? क्योंकि वो एक नंबर का जाहिल है न्यूट्रिशन के मामले में और डाइट के मामले में। देखो गाइस एक चीज सुन लो, उबले हुए चावल खाने से चर्बी नहीं जाती, उबले हुए चावल खाने से चर्बी नहीं जाती, बल्कि जो लोग चर्बी कम करना चाहते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि उबले हुए चावल में सिर्फ और सिर्फ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है जिसकी वजह से चर्बी आती है बॉडी में, ना कि चर्बी जाती है। समझे इस चीज को। और दूसरी चीज ये भी है कि बॉइल्ड राइस में दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते, एकदम ना के बराबर होते हैं। जैसे कि विटामिन और मिनरल्स, सब समझते ही होंगे, विटामिन मिनरल्स कैल्शियम, चलो कैल्शियम बोलते हैं हम इंडियंस की भाषा में उसको, तो ये बिल्कुल भी नहीं होते उबले हुए चावल में। तो जब ये इतनी जरूरी जरूरी चीजें हैं ही नहीं, और क्या है, खराब चीज ही है यानी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और बाकी एसेंशियल चीजें तो है नहीं, तो ये तो नुकसान देगी ना बॉडी को। तो कोई सा भी अच्छा जिम ट्रेनर जो साइंस बेस्ड नॉलेज रखता है, कोई सा भी अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी डॉक्टर कभी भी उबले हुए चावल नहीं बताता चर्बी कम करने के लिए। ये सारे जाहिल होते हैं, इनको पता तो है नहीं, इनको इनसे तुम ये पूछो कि उबले हुए चावल में है क्या, वो उसको ये नहीं पता वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। जो ट्रेनर, जो बंदा साइंस बेस्ड नॉलेज रखता है, वो क्लाइंट को उनकी खुद की बॉडी के हिसाब से डाइट रिकमेंड करता है। इसलिए हमने आपके लिए बेस्ट प्रोटीन पाउडर कौन सा रहेगा, बेस्ट मास गेनर कौन सा रहेगा, इन दोनों ही मुद्दों पे अलग अलग करके वीडियो बना दी है जो आपको आई बटन पे भी दिख जाएगी और आपको एंड स्क्रीन में भी आ जाएगी। आपकी बॉडी के लिए बेस्ट, आपकी बॉडी के लिए, समझो हर किसी के लिए नहीं, तो हमने थोड़ा डिटेल में बताया, देख लेना उसको। खैर अब बात करते हैं दूसरी निशानी की। तो दूसरी निशानी उस जाहिल ट्रेनर को पकड़ने की यह है कि वो लोगों की, अपने क्लाइंट्स की पेट की चर्बी कम करवाने के लिए उसको डेली 500 से लेकर 1500 क्रंचीज तक बताता है। क्रंचीज की एक्सरसाइज दिख रही होगी शायद आपको, ये होते हैं क्रंचीज। देखो इस तरह की एक्सरसाइज से कभी भी पेट की चर्बी नहीं जाती, बल्कि इससे इतना ज्यादा नुकसान होता है ना कि कमर टूटने का पूरा पूरा खतरा रहता है। क्योंकि कोई आदमी 100 किलो का है, 80 किलो का है और वो सिर्फ अपनी कमर का ही इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि क्रंचेस करने में मोस्टली कमर का ही इस्तेमाल होता है, और वो क्योंकि दिन में, एक दिन में अगर वो 500 क्रंचेस करेगा या 1500 क्रंचेस करेगा तो उसकी कमर पे बहुत ही ज्यादा जोर पड़ेगा, जिससे पूरे का पूरा चांस है कि उसकी कमर टूट जाए। मतलब पूरे चांस नहीं है, ज्यादातर चांस है कि उसकी कमर टूट जाए। और दूसरी चीज ये भी है कि जब कोई, अगर तुम दिन में 500 से लेकर 1500 क्रंचेस कर रहे हो ना डेली, तो कभी भी लिख के ले लो, अगर ढंग से भी करोगे, प्रॉपर फॉर्म में भी करोगे ना, तो एब्स कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है? इतने ज्यादा क्रंचेस नहीं करने होते एब्स लाने के लिए, एब्स लाने के लिए इतने ज्यादा क्रंचेस नहीं करने पड़ते, बल्कि एब्स लाने की 3-4 एक्सरसाइज होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो 10 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो जाएंगी। अब एक चीज ये है कि क्रंचेस करने से कभी भी पेट की चर्बी नहीं जाती, ठीक है? कभी भी नहीं जाती, इस बात को तुम लिख लो, एफिडेविट बनवा लो, स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लो, अपने घर पर चिपका लो इस चीज को, समझे? कभी भी क्रंचीज करने से पेट की चर्बी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी एक हिस्से से चर्बी नहीं जाती, चर्बी बॉडी से थ्रो आउट ही जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं, ये तुम ही मुझे बता दो, चलो चैलेंज समझ के, कि तुम मुझे पूरी दुनिया का कोई एक ऐसा इंसान बता दो जो पहले बहुत मोटा था, पूरी बॉडी में उसके चर्बी थी, उसने क्रंचीज करे, उसके पेट की चर्बी खत्म हो गई, लेकिन उसके हाथों में और पैरों में चर्बी है। आप मुझे कोई एक बता दो। अब बात आती है कि अगर उस क्रंचेस करने से उसकी पूरी बॉडी की चर्बी खत्म हुई है, तो उसके पैरों की चर्बी खत्म क्यों हुई? क्योंकि उसने तो पैरों की एक्सरसाइज करी नहीं, समझे इस चीज को। तो यही बात है कि जो चर्बी जाती है बॉडी के अंदर से, वो थ्रो आउट, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी जाती है। यह नहीं कि आप सिर्फ क्रंचेस करने से पेट की चर्बी खत्म कर सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, साल भर तक लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आपकी डाइट सही नहीं होगी। आपकी डाइट सही होगी, प्रॉपर डाइट होगी,
आपकी बॉडी की चर्बी खत्म हो जाएगी, जा सकती है, लेकिन अगर आप डेली डेली क्रंचेस करोगे, अगर प्रॉपर डाइट है, सुनो इस चीज को ध्यान से, अगर डाइट प्रॉपर है और डेली के डेली क्रंचेस कर रहे हो तो चर्बी तो खत्म हो जाएगी क्योंकि डाइट अच्छी है, लेकिन डेली जो तुम इतने क्रंचेस कर रहे हो, 500 से लेकर 1500 क्रंचेस कर रहे हो, तो फिर आपके एब्स नहीं आएंगे, ये गारंटी है। इस चीज को समझो। और ये क्यों नहीं आएंगे, ये मैं अभी पहले बता चुका हूं, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी होती एब्स के लिए, एब्स को ये खराब कर देती है इतनी ज्यादा एक्सरसाइज। और एक तीसरी निशानी भी चलो बता देता हूँ। तीसरी निशानी ये है कि जो लोग बॉडी बनाने जा रहे होते हैं ना, जैसे पतले लोग बॉडी बनाने जा रहे होते हैं, तो वो जाहिल ट्रेनर उनसे बोलता है कि भाई बिना माल के बॉडी नहीं बनेगी। और वो माल में क्या कहता है, वो या तो इंजेक्शन ठुकवाता है या फिर कोई पाउडर टाइप देता है, और वो जो पाउडर टाइप देता है उसमें भी कुछ नहीं होता, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर डेक्सोनाप्रेक्टिन होती है, जो कि नुकसानदेह होती है बहुत ज्यादा, समझे। अच्छा अब चलो बात करते हैं कि अगर वो एक नंबर के जाहिल ट्रेनर हैं, उन्हें साइंस का एस नहीं पता और न्यूट्रिशन का एन नहीं पता, तो फिर उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉडी वो कैसे बनवा देते हैं लोगों की, कि वो कंपटीशन खिलवा देते हैं उनको, जितवा भी देते हैं। तो इसका आंसर काफी सिंपल है, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि वो अपने क्लाइंट्स को हैवी डोज ऑफ टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन और गोलियां देते हैं। देखो एक चीज बताता हूं, अगर किसी इंसान की बॉडी में, किसी लड़के या किसी लड़की की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन जा रहे हैं, या फिर टेस्टोस्टेरोन के कोई डेरिवेटिव के इंजेक्शन जा रहे हैं, या फिर वो गोलियों की फॉर्म में ले रहा है या ले रही है, तो बॉडी तो उसकी बन जाएगी, वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाली, बहुत जबरदस्त। अब चाहे उसकी डाइट कितनी ही बेकार क्यों ना हो और उसकी एक्सरसाइज कितनी ही बेकार क्यों ना हो, तो उसकी बॉडी बन जाती है। ये रिसर्च में देखा गया है कि सिर्फ लोगों को इंजेक्शन दिए और घर पे बिठाया और उनकी बॉडी बन गई, अंग्रेजों ने करी थी ये रिसर्च, लेकिन बॉडी तो बन जाएगी। इसके इतने ज्यादा नुकसान है ना, इतने ज्यादा नुकसान है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इन जाहिल ट्रेनरों की वजह से कितने लड़के डेली मर रहे हैं, 22 साल के, 25 साल के लड़के मरते हैं, कि जिम वाले भैया ने पता नहीं क्या खिला दिया, इंजेक्शन लगा दिया, कोई ऐसा माल पानी दे दिया जिसकी वजह से मर गए। अब नाम आ जाता है प्रोटीन पाउडर पे कि भाई प्रोटीन पाउडर दे दिया। भाई प्रोटीन पाउडर गलत नहीं है, ठीक है ना, प्रोटीन पाउडर गलत नहीं है। कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना है, अब ये अकलमंदी है, इसके लिए हमने वीडियो बनाई है, देख लो। जैसे अभी 3-4 साल पहले एक खबर वायरल हुई थी यूट्यूब पे, एक आसिफ नाम का लड़का था, वो इंजेक्शन ठोक के ही मर गया, उसके ट्रेनर ने इंजेक्शन ठोके मर गया वो, ये तो खबर पता चल गई, लेकिन उसके जैसे कितने लड़के डेली मरते हैं, किसी की एक टांग काटनी पड़ती है, किसी की दो टांगे काटनी पड़ जाती हैं, डेली हो रहा है ये, डेली किसकी वजह से हो रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर की जहालत की वजह से, समझे इस चीज को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।